ठीक हो तो मोक्ष? ये चुड़ैलों पे इंसानों वाले गुण अच्छे नहीं लगते निशिगंधा। मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, इंसानों के बीच रहती हो एक चुड़ैली तो। फिर तुम यहाँ आए क्यों? कहीं अपनी निशिगंधा की याद तो नहीं आ रही थी तुम्हें? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम मेरे से नफरत करने का सिर्फ नाटक करते हो? अंदर ही अंदर प्यार तो करते हो कि मुझसे? प्यार और तुमसे, प्यार और तुमसे। तुम्हारा खेल समझना बहुत आसान है निशिगंधा। पहले मेरी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाया, फिर से कम करने के बहाने मेरे नजदीक आ गए, मेरे नजदीक आ गए। एंड आई एम श्योर जो एप्पल तुमने खिलाया था उसमें भी कुछ ना कुछ मिलाया होगा। एप्पल वाली बात तुम्हारी सही है, उसमें था तो जरूर कुछ, पर वो मेरा किया धराया नहीं है, वो सब महासुर ने किया है। अपने कान महासुर पे डालना बंद करो, जो कर रही हो तुम कर रही हो, क्योंकि महासुर अब है ही नहीं। देख रहा हूं अपनी आंखों से जैसे खुले में ना रही हो, ताकि मैं तुम्हारे करीब आऊं, तुम मुझे सेड्यूस कर सको। मर्दों को अपनी सुंदरता के जाल में फंसाने के अलावा तुम्हारा कुछ नहीं आता निशिगंधा। चलो तुमने ये तो माना कि मैं सुंदर हूं, तुम इतना डरते क्यों हो मेरी सुंदरता से? इसीलिए कहीं मुझसे अट्रैक्ट ना हो जाओ। एक चुड़ैल से बेशर्मी के अलावा और कुछ उम्मीद नहीं की जा सकती है। अपने पति से कैसी शर्म? वैसे अगर तुम रुक के मुझे चेंज करते देखना चाहो तो देख सकते हो, हक है तुम्हारा। निशिगंधा के शिकार, अगर मैं ये उठा लूं तो महासुर की आड़ में मेरे परिवार पे कभी खतरा नहीं बन पाएगी। मोक्ष मेरे बारे में कुछ भी सोचे, मुझे हर हाल में उसे महासुर से बचाना ही है। घंटे से ज्यादा तुम्हारा शरीर मुझे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अब समय आ गया है नए शरीर में प्रवेश करने का। समय आ गया अगला शिकार ढूंढने का। मेरे श्रृंगार, महासुर तो इस घर में प्रवेश नहीं कर सकते, तो फिर मेरे श्रृंगार किसने लिए? निशिगंधा, मेरी प्यारी चुड़ैल बचा ले मुझे। कौन है वहां? चाची इतनी पूछा,
तो ऊपर की दुनिया में चाची एक बुरी इंसान है, इसीलिए वो यहाँ अच्छी है और भगवान को नहीं छोड़ पा रही है। कहाँ भेज रहे आप मुझे? वही जहाँ तू जाना चाहे वो जगह तुझे घर जैसी लगेगी, लेकिन वहां तेरे सोच से सब उल्टा ही होगा। मना किया था ना तुझे मत कर भगवान की पूजा, पर समझ नहीं आता, बंद कर दे इस पूजा को यहीं पे, वरना मार दूंगी तुझे। जुही बेटा, मैं अपने भगवान को नहीं छोड़ सकती। जुही, शैतान की कुर्बानी पूजा का समय होता जा रहा है, चलिए ना, चलिए चलिए चलो। भाभी के लिए तो भाई साहब से मैंने बचा लिया बेटा, पर अगर इन खूनी लड़कों से अपने आप को बचा पाई ना, तो ध्यान रखना घर के तालाब के पास ना गलती से मत जाना, बहुत बड़े खतरे में फंस जाएगी। उसके लिए इससे ज्यादा मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती बौरानी, ध्यान रखना निश। तालाब के पास जाने से पहले इन खूनी लताओं से मेरा तब घुट जाएगा। जवाब दो मेरी बात का। कौन सी बात? अगले जन्म में भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा वो सब? हाँ बिल्कुल, हमेशा। हमारे बीच की दूरी भले ही मीलों की हो, युगों की हो, जन्मों की हो, मौत हमें जुदा कर दे या जिंदगी हमें एक दूसरे से दूर ले जाए, जमीन आसमान पाताल किसी भी लोग में तुम क्यों ना हो, तुम्हारे दिल की आवाज मेरे दिल तक जरूर पहुंचेगी और मैं तुम्हारे पास चलाऊंगा निशी। इसी जगह पर निशिगंधा धरती में समा गई थी। या तो कुछ है नहीं, अंदर कैसे जाऊंगा मैं? तुम्हें अपने अंदर के प्यार को जगाना पड़ेगा मोक्ष। शांतनु जो निशिगंधा के लिए महसूस करता था, वही तुम्हें महसूस करना। शांतनु करता होगा, मैं नहीं करता, क्योंकि मैं मोक्ष हूं। मैं सिर्फ दिया से प्यार करता हूं, मेरे दिल में सिर्फ दिया के लिए फीलिंग्स, ये छोटी मोटी फीलिंग्स मुझसे होंगी नहीं। निशिगंधा मेरे सामने होगी, उसको बचा लूंगा मैं। मोक्ष, मोक्ष सोचो, इस वक्त दिया क्या करती? वो अपनी माँ को बचाने के लिए कुछ भी करती। बस हमारे पास एक यही रास्ता है। शांतनु के बारे में सोचो मोक्ष, निशिगंधा जब इंसान थी तब का सोचो, सब कुछ अपने आप याद आ जाएगा, भावनाएं अपने आप जाग जाएंगे मोक्ष। मुझे पता है शांत, तुम्हें सब याद आ जाएगा। क्या?
मैं तुम्हारे दिल की आवाज हर हाल में सुन लूंगा। तुम कहीं भी हो, तुम्हारी आवाज सुनकर मैं आ ही जाऊंगा। अच्छा जी, और अगर तुम बूढ़े और बहरे हो गए तो फिर कहां से मेरी आवाज सुनोगे? और अगर अगले जन्म में मेरी आवाज बदल गई तो फिर कहां से आओगे? अरे आवाज बदल जाए पर दिल के जज्बात थोड़े ही बदलेंगे। मैं बहरा भी हो जाऊं तो दिल मुझे तुम तक पहुंचा ही देगा। तुम बस मेरे लिए गीत गा देना, तुम्हारा गीत मुझ तक हर हाल में पहुंच जाएगा निशी, और मैं तुम्हारे पास आ ही जाऊंगा। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। मैं टाइम वेस्ट करें अपना, चलिए यहां से। मुझे इसे इंसान मारकर ही बचाना होगा।